हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो थोड़ी सी चिल सी होने वाली है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा मेरे 2 साल से ज़्यादा हेयर ग्रोथ जर्नी की। मैंने अपनी ऑकवर्ड स्टेज कैसे निकाली, मैं उस ऑकवर्ड स्टेज में कैसा दिखता था और मैंने जो गलतियाँ करी। आप मेरे एक्सपीरियंसेस से सीख के वो गलतियाँ मत रिपीट करना। तो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल दी एंड। बाय द वे, हाय, माय नेम इज मोहित और मैं इस चैनल पे मेंस ग्रूमिंग, मेंस फैशन से रिलेटेड बात करता हूँ। अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप और मैं मिलकर कम्युनिटी बिल्ड कर सकें। मैंने अपने बाल बढ़ाने का डिसीजन अक्टूबर 2019 में लिया था। उस वक्त शायद दिवाली भी थी और तब से लेकर अभी तक मुझे 2.5 ईयर हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको अपनी फोटोज के थ्रू उस जर्नी से गो थ्रू करवाऊंगा। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को आखिर तक देखो। ओके, तो हम चलते हैं आज की पहली फोटो पे। तो ये फोटो है दिसंबर 2019 से। अब उस वक्त मेरे को हेयर कट लिए हुए लगभग 2 हफ्ते हो चुके थे और एक डिसेंट साइड फेड हेयर कट है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, साइड से छोटे, बीच से कंपैरेटिवली बड़े। ये हेयर स्टाइल मेरी गो टू हेयर स्टाइल हुआ करती थी। मैंने अपनी पूरी स्कूल लाइफ ये हेयर स्टाइल रखी है और अब जब मैं इस फोटो को देखता हूँ तो या आई लुक डिसेंट इन दिस ऑल्सो। बाय द वे, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। मेरा यूजर नेम है मोहित, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगा। तो अगर आपको हेयर ग्रोथ जर्नी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आपका भाई उधर बैठा है, जो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर। ओके, तो हम चलते हैं अपनी अगली फोटो पे। अब ये फोटो है 13 February 2020 की और मुझे बाल बढ़ाते हुए लगभग 3 महीने हो चुके हैं। अब पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने 3 महीने तक अपना हेयर कट मिस किया था और जैसा कि आप बैकग्राउंड देख के समझ गए होंगे कि एक बार्बर की शॉप है। मैं अपना हेयर कट करवाने ही वाला था पर मैंने अपने आप को रेजिस्ट किया और मैं उधर सिर्फ बियर्ड ट्रिम करवा के आ गया। ओके, तो ये नेक्स्ट पिक्चर है 5 मंथ्स हेयर ग्रोथ जर्नी के बाद। अब लास्ट पिक्चर की तरह इस वक्त भी मेरे बाल साइड से निकलना शुरू हो गए थे और मैंने जस्ट हेयर बैंड यूज़ करना शुरू ही किया था, जिससे मेरा फेस थोड़ा स्ट्रक्चर्ड दिखे और जो फेस से बाहर बाल निकल रहे हैं वो थोड़े से पीछे रहे और मेरे फेस को डेफिनेशन मिल सके। ओके, तो ये नेक्स्ट पिक्चर है सितंबर 2020 की। अब इस वक्त मुझे बाल बढ़ाते हुए लगभग 10 महीने हो चुके थे और क्योंकि मैंने 10 महीने से कोई हेयर कट नहीं लिया था, मेरे बालों के जो एंड्स थे वो ड्राई पड़ने लगे थे, इसलिए मैं पीछे के एंड्स को ट्रिम कराने के लिए भैया के पास गया था और भैया ने एंड्स को ट्रिम करके मेरी एक छोटी सी पोनीटेल बनाई थी। अब उस वक्त मेरे नीचे के बाल पोनीटेल में नहीं आ रहे थे, उसके बावजूद भैया ने मुझे सजेस्ट किया कि मेरे जितने बाल पोनी में आ रहे हैं उससे मैं अपनी पोनी बनाऊं। इसका मेन वजह ये थी कि मेरे बालों को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिलेगा जिसमें वो ग्रो हो सके, जो कि है बैकवर्ड साइड में। ओके, तो ये नेक्स्ट फोटो है अक्टूबर 2020 से। मेरे बाल ट्रिम करवाने के 2 हफ्ते बाद की ये फोटो है और इस वक्त मैंने पहली बार अपना एक प्रॉपर छोटी सी पोनीटेल बनाई अपने सारे बालों को मिला के। तो अगर कोई मेरा भाई इस स्टेज तक आने की कोशिश कर रहा है तो मुझे स्टेज तक आने के लिए लगभग 11 महीने लगे थे। अब हर इंसान के जीन्स अलग होते हैं, आपकी हेयर ग्रोथ जर्नी शायद मेरी हेयर ग्रोथ जर्नी से थोड़ी सी धीरे हो सकती है, पर इस वीडियो से मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि थिंग्स गेट बेटर विद टाइम। अगर मैं इस फेज से निकल चुका हूँ तो आई प्रॉमिस आप भी इस फेज से जल्दी निकल जाओगे। ओके, तो हमारी अगली फोटो है मार्च 2021 से। 15 मंथ्स हो चुके हैं मुझे बाल बढ़ाते हुए और इस वक्त मैं अपने बालों के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था। मुझे अलग अलग हेयर स्टाइल बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी और मैं उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज कर रहा था। मैं हाफ मैन बन बांध रहा था, मैं खुले बाल रख रहा था, मैं एक प्रॉपर मैन बन बांध रहा था। मैं इसके पीछे पिछले 15 महीने से मेहनत कर रहा था और फाइनली मेरी मेहनत ने पे ऑफ किया और मैं इस फेज को बहुत इन्जॉय कर रहा था। तो हमारी अगली पिक्चर है अप्रैल 2021 से। अब इस वक्त मुझे बाल बढ़ाते हुए 16 महीने हो गए हैं। अब इस वक्त मेरे बालों के अंदर डेफिनेशन आ गई थी, वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में आ गए थे, तो मैंने अपने बालों का और अच्छे से ध्यान रखना शुरू कर दिया। मैं टाइम टू टाइम ऑयलिंग कर रहा था, कंडीशनिंग कर रहा था, अपने हेयर मास्क के साथ कंसिस्टेंट हो गया था और टाइम टू टाइम अलग अलग ऑयल्स भी यूज़ कर रहा था ताकि मेरे बालों को अच्छे से नरिशमेंट मिले और रिजल्ट्स आपके सामने हैं, मेरे बाल प्रॉपर शाइन कर रहे थे। ओके, तो ये फोटो है जून 2021 की। मुझे लगभग 19 महीने हो चुके हैं बाल बढ़ाते हुए और इस वक्त तक मुझे पिंस का यूज़ करना नहीं पड़ रहा था अपने साइड के बालों को टक इन करने के लिए। मेरे बाल एक प्रॉपर पोनी में बंध रहे थे और इस वक्त मेरे बालों की लंबाई बढ़ के जो पहले नेक को कवर कर रहे थे वो मेरी कॉलर बोन्स तक आने लग गए थे। ओके, तो ये फोटो है अक्टूबर 2021 से। अब मुझे इस वक्त लगभग 2 साल हो गए थे बाल बढ़ाते हुए और 23 months टू बी प्रिसाइज और मैं इस वक्त तक अपनी पीक परफॉर्मेंस पे आ चुका था। मैंने अपनी सारी हेयर स्टाइल गोल्स जो थे वो अचीव कर लिए थे, मैं अपने बालों का अच्छे से ध्यान रख रहा था, मैं अलग अलग हेयर स्टाइल बना रहा था और इस वक्त मैं अपनी हेयर ग्रोथ जर्नी से बहुत सेटिस्फाइड था। ओके, तो ये पिक्चर मेरी सबसे लेटेस्ट पिक्चर है जनवरी 2022 की। अब इस वक्त मुझे बाल बढ़ाते हुए लगभग 26 महीने हो गए हैं और मेरे बाल अच्छी लेंथ के हैं, मेरे बालों का टेक्स्चर अच्छा है, मेरे बाल दिखने में अच्छे लगते हैं, मैं अलग अलग हेयर स्टाइल्स ट्राई कर चुका हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मेरी हेयर ग्रोथ जर्नी को देख के आप लोग भी इंस्पायर हुए हो कि आप भी आज से अपनी हेयर ग्रोथ जर्नी को शुरू करो। और अगर आपको हेयर ग्रोथ जर्नी में कोई भी दिक्कत आती है तो आपका भाई बैठा है आपको हेल्प आउट करने के लिए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।